Hey everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we are going to learn about how to agree with someone's statement using so and neither. अगर हम किसी के स्टेटमेंट के साथ अग्री करते हैं और अपने सेंटेंस में अगर सो और नीदर का यूज़ करते हैं तो हमारी इंग्लिश थोड़ी सी एडवांस लगती है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. टू अग्री विथ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, अगर कोई हमें पॉजिटिव चीज़ कहता है और अगर हम उसके साथ अग्री करते हैं तो हम सो का यूज़ करेंगे, सो वर्ड का यूज़ करेंगे. और अगर हमें कोई नेगेटिव स्टेटमेंट कहता है और हम उसके साथ अग्री करते हैं तो हम नीदर का यूज़ करेंगे. तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी, कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी जिसके थ्रू आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि सो का यूज़ कहाँ करना है और नीदर का यूज़ कहाँ करना है. हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई एम टायर्ड, तो हम कहेंगे सो एम आई. आई लाइक इट, सो डू आई. आई हैव सीन इट, सो हैव आई. आई वेंट आउट, सो डिड आई. आई वॉज वॉकिंग, सो वॉज आई. I can speak English, so can I. I will go, so will I. तो देखा आपने, बिना me too और same here बोले ही हम यहाँ किसी भी statement के साथ so का use करके agree कर सकते हैं. तो अब हम जानेंगे कि किसी भी negative statement के साथ agree करने के लिए हम neither का use कैसे करें. हमारा first sentence है I am not tired, तो हम कहेंगे neither am I. अगर हमें कोई कहता है I don't like it, तो हम कहेंगे Neither do I. I haven't seen it. Neither have I. I didn't go out. Neither did I. I wasn't working. Neither was I. I can't speak English. Neither can I. I won't go. Neither will I. I hope आपको समझ आया हो कि so and neither का use करके हम किसी भी statement के साथ agree कैसे कर सकते हैं. अगर video अच्छी लगी हो तो video को please like करें और channel को subscribe करें. Thanks for watching. Bye bye. Take care.